एक बार विजयनगर में एक साधु का आगमन हुआ। वह नगर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर साधना करने लगा। विजयनगर में उसके बारे में यह बात प्रसिद्ध थी कि वह एक सिद्ध साधु है जो चमत्कार कर सकता है। सभी लोग उसके दर्शन के लिए धन भोजन फल फूल चढ़ावे के साथ जाने लगे। तेनालीराम को जब इस बारे में ज्ञात हुआ तो वह भी उस साधु से मिलने वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँच कर उसने देखा कि साधु के सामने चढ़ावे का बहुत सारा ढेर लगा हुआ है और नगर के लोग आंखें बंद करके उसकी आराधना में लीन हैं। उसने देखा कि साधु अपनी आंखें बंद करके कुछ बुदबुदा रहा है। तेनालीराम एक कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति था। साधु के होठों की गति को देखकर वह क्षण भर में ही समझ गया कि साधु कोई मंत्रोच्चारण नहीं कर रहा बल्कि अनाप शनाप कुछ बक रहा है, जो एक ढोंगी साधु था। तेनालीराम ने उसे सबक सिखाने का एक निर्णय लिया। वह साधु के पास गया और उसकी दाढ़ी का एक बाल खींचकर तोड़ दिया और कहने लगा कि उसे सरोग की कुंजी मिल गई, उसे सरोग की कुंजी मिल गई। उसकी घोषणा की ये देखकर कि साधु चमत्कारी है, उसने यह घोषणा कर दी कि यह साधु एक चमत्कारी है और इसकी दाढ़ी का एक एक बाल अपने पास रखने से मृत्यु के उपरांत सरोग की प्राप्ति होगी। उसका यह सुनना ही था कि वहाँ बैठे सभी लोग साधु की बाल दाढ़ी का बाल तोड़ने के लिए तत्पर हो गए। तेनालीराम द्वारा अपनी दाढ़ी का एक बाल खींचे जाने की पीड़ा से वह साधु अभी तक उबरा भी नहीं था कि उसकी घोषणा सुनकर वह तुरंत समझ गया कि अब के साथ क्या होने वाला है। यह जानकर वह वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा। तब तेनालीराम ने उपस्थित लोगों को उसकी हकीकत से अवगत कराया और कहा कि ऐसे ढोंगियों से दूर रहने की नसीहत दी। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।